तूने ऑलरेडी लेट करवा दिया है, तब से बोल रहा था कि टाइम से चल ले चल ले चल ले, अभी अगर ये शॉप बंद हो गई ना तब पता चलेगा तेरे को। ए यार ये गेमिंग पीस वाला, चल ओपन तो है ये, आ जा। हेलो भैया कैसे हो? चेतन? हाँ जी भैया। क्या बात है भाई, बैंक बेंचर आप भी यहाँ पे? हाँ भैया हमको, अरे इतने फेमस हो उसके बाद तो हमको आना पड़ेगा ना। मैं पता है यहाँ पे चेतन द बैंक बेंचर देख देख के पूरे दिन, जब ये खाली होते हैं ना तो पूरे दिन हंसते रहते हैं यार। भाई बस आप लोगों का प्यार है, और भाई गेमिंग पीसी वाले पे हमने सुना है कि बहुत सस्ते सस्ते पीसी मिलते हैं। हाँ सच में? ये सच है यार। तुम मेरे को ना देखो एक मेरी वीडियो देखते हो क्या? अरे भाई यार इतनी वीडियो देखी, इतनी वीडियो देख ली मैंने, क्या बताऊं, मैंने आपकी एक एक वीडियो देखी है जिसमें मतलब आपने इतने सस्ते सस्ते, मतलब लोग आते हैं आपके पास कि भैया हमको ये वाला पीसी चाहिए, इतने में पीसी चाहिए, चैलेंज दे देते हैं आपको कि भैया इतने कम में दे दो। सच में मैं देता हूं, सच में सही में सच में देता हूं, और ऐसा नहीं है स्क्रिप्टेड होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूं कि जिसने भी मेरे जो जो वीडियो देखे हैं भाई, वीडियो दिखाओ और लेके जाओ। ठीक है एक बार आप मेरे भी ब्लॉग में बोलो फिर। तो भाई गाइस हम आ चुके हैं गेमिंग पीसी वाले भैया के पास, और अब करेंगे भैया के साथ थोड़े से, हम देखते हैं कि भैया सच में कितने सस्ता देते हैं, हमको कितने का प्रॉफिट होता है, मैं सब आपको बताऊंगा, और बने रहो ब्लॉग के अंदर। ठीक है तो भैया आप मेरे को ये बताओ, अब ये कैमरा ऑफ हो गया है, सही में दोगे या नहीं दोगे? हाँ हाँ सच में, अब ब्लॉगिंग भी करने लग गए क्या अब? हाँ ओ भाई सही है भाई, डबल ब्लॉगिंग। अब मैंने स्टार्ट कर लिया है थोड़ा सा, तो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो अब मेरे को ये बताओ कि मेरे को कितना सस्ता पड़ जाएगा, मेरे को चाहिए देखो क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैं आपको रिक्वायरमेंट बताओ। हाँ मेरे को चाहिए देखो, गेमिंग करनी है, ठीक है, स्ट्रीमिंग करनी है, ठीक है, और एडिटिंग करनी है, ठीक है ठीक है, और एडिटिंग भी मेरे को नॉर्मल वाली नहीं चाहिए, हैवी वाली चाहिए, एडवांस मतलब फिल्मोरा हो गया और प्रीमियर प्रो हो गया, ऐसे वाले एप्स। एडिटिंग आप करते हो? आप करते हो? नहीं नहीं एडिटर है उसके लिए अपने पास। अच्छा आपने एडिटर रखा? हाँ। मैंने मैम को भी देखा है। हाँ। और ये भी जो है भाई बड़े अलग अलग स्टाइल में वीडियो बनाते हैं, मजा आ रहा है, मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है आज के, मतलब दिन संवर गया अपना तो। अरे भैया हमारा दिन संवर गया कि आप इतनी लेट भी आपने दुकान खोल रखी है, अभी देखो आप कितना टाइम हो गया, 8:30 हो चुके हैं, 8:30 हो गए, पूरी मार्केट बंद हो चुकी है। यहाँ पर हम आए, हमने बोला भाई क्या पता मिले ना मिले, क्योंकि हम जहाँ तक आ रहे थे कि ट्रैफिक हो गया, हमारी गाड़ी भी वहाँ पर जाम में फंस गई थी, हमने वहीं पे मेट्रो स्टेशन पे लगाया, हम आ गए यहाँ पर फटाफट भागे भागे। कोई बात नहीं, तो फिलहाल हम भैया का सेटअप रेडी कर लेते हैं क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, और भैया को आधे घंटे में फ्री करना है क्योंकि मुझे शॉप भी बढ़ानी है, 9 बजे से पहले पहले शॉप बढ़ा देते हैं यार, तो आज मुझे 9 से ज्यादा बजाने नहीं है। अब भैया आए तो फिर टाइम तो लगाएंगे, कोई बात नहीं। तो भैया एक काम करते हैं, आपको इंटेल में करें या राइजन में करें? इंटेल, वैसे तो इंटेल बेस्ट है आपके मतलब का। हाँ। और के सीरीज में देते हैं, ठीक है तो हम क्या दे सकते हैं के सीरीज में? i7 14। बजट क्या है आपका? मेरा बजट भैया बहुत है, तुम कर दो बस 2 लाख तक का है। दो ना भाई i7 14 लेटेस्ट ही आ रखा है, लेटेस्ट है, कर दो 2 लाख रुपए तक का बजट। हाँ। है तो i7 14 जनरेशन के साथ बनाते हैं 14600K। तो भाई फटाफट से एक एक करके आइटम्स देना शुरू करो मुझे। तो भाई 14600K निकालो यार, कहाँ रखा है अपना 14700K i7 आपको भी कुछ इसमें कुछ कहना हो ना तो कमेंट में कुछ भी डाल देना। हाँ। कि भाई ये नहीं ये देना चाहिए था। हाँ। ऐसा कुछ अगर रिकमेंड है भाई, मैंने इनके साथ चीट वीट तो नहीं कर दिया, कुछ भी यार कुछ भी लिख देना, या महंगा तो नहीं दे दिया, सस्ता दे दिया, या जो भी है कुछ भी लिख देना कमेंट में, जो तुम्हें समझ आए लिख देना। और चेतन भाई को तो आप जानते होगे क्योंकि भैया के जो है भाई अपन तो भाई बच्चे हैं इसके आगे YouTube में, और भाई 3 मिलियन है, 3.2 मिलियन भाई। हाँ। यार बहुत होते हैं यार, मैं तो सोच के ही मतलब पता नहीं भाई। और मैंने आपका चैनल भी देखा, ज्यादा पुराना भी नहीं है? नहीं नहीं ज्यादा नहीं, अभी 1 साल ही हुआ है शायद, 1 साल या फिर 14। यार ये कैसे होता है ऐसे, मतलब इतनी जल्दी जल्दी कैसे बढ़ जाते हैं? पब्लिक का प्यार जो आपको मिल रहा है, आपको भी तो 1 महीना हुआ है। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे जो है ना नेहरू प्लेस में कुछ छोटे छोटे से वाले जो होते हैं ना यूट्यूबर, जो जिन्होंने अच्छा इसने ये बनाई तो हम भी बनाते वीडियो। अच्छा। तो उन्होंने वीडियो बनाई और उसमें क्या है कि 300-400 उनके सब्सक्राइबर है, वो मालूम वीडियो में क्या बोल रहे हैं, इन्होंने ना खरीदे हैं।
ठीक है, इन्होंने खरीदे हैं यार, इन्होंने सब्सक्राइबर खरीद लिए हैं तो लोगों का काम है, व्यूज भी खरीद लेते हैं, मतलब हम व्यूज भी खरीद लेते हैं, कमेंट भी खरीदते हैं, मतलब क्या ऑडियंस भी खरीद रहे हो? नहीं गाइस, एक काम करो, कमेंट करो इस वीडियो पे, जो जो व्यूअर है ना, हर बंदा कमेंट करो और पता चल जाए सबको कि भाई रियल है। नहीं, ये सच है कि बहुत प्यार करते हैं ये लोग जो मुझे देख रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं भैया। आपकी वीडियो देख के आए हम यहाँ पे, एक्सप्लोर पे आती है, हर दूसरी वीडियो आपकी आती है हमारे पास, दिल में जो है ना इतना, सच में लड़की आई लव यू बोल दे तो नहीं चलेगा, इसमें मजा आ गया भाई। कि हमारी वीडियो एक्सप्लोर पे जाती है, इसमें मजा आया था भाई, मेरे को लगता है इससे अच्छा मजा नहीं आता किसी में भी, मतलब दिल को ठंडक से मिल जाती है, तसल्ली मिल जाती है। तो फिलहाल हमारा प्रोसेसर हो गया 14700K i7 में, और भैया को इसके बाद नेक्स्ट जो है रैम करते हैं, 16 16 की दो रैम बहुत है, 16 16 की दो रैम 32 GB कर देते हैं, और रैम लगाते हैं अब कोर्सियर कंपनी की, तो कोर्सियर में 16 x 2 मतलब कि 32 GB, और भैया को रैम जो दिए हैं उसके साथ में जो मदरबोर्ड देंगे वो देंगे 4 RAM स्लॉट के साथ, अगर कभी इन फ्यूचर लैग करता है या फिर स्लो चलता है तो भैया दो और लगा लें 16 16 की, मतलब आप 64 GB रैम कर सकते हैं, इसके अंदर दो स्लॉट खाली रहने देंगे अभी फिलहाल, ठीक है बढ़िया। अभी लगा देते हैं 32, और इसके बाद में जो मदरबोर्ड की जो हम बात कर रहे थे वो लगाते हैं MSI का प्रो B6760MA वाईफाई, जो रहेगा वाईफाई के साथ में, और 4 RAM स्लॉट रहेंगे इसमें, वाईफाई भी है, ब्लूटूथ अच्छा, भी है, आपको कुछ भी नहीं करना, हाँ वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों रहेंगे, तो मोबाइल से जो जो आप वीडियो बनाते हो इसमें डालते रहो जैसे मर्जी। तो भाई ये दे दे रहे हैं भैया को, और वारंटी की बात करेंगे हम थोड़ी देर बाद, तो 2 लाख के अंदर बनाना है, 2 लाख के अंदर बनाना है, हाँ। और पहुंच जाओ ऊपर अंदर, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 लाख के बजट में आ जाऊं। भाई SSD में हम बैकअप वगैरह के लिए भी हमें कुछ चाहिए, हाँ। कितना बैकअप होता होगा? कम से कम 2 TB का, तो कम से कम 2 TB का, हाँ। तो हम एक काम करते हैं 2 SSD लगाएंगे इस मदरबोर्ड में, 2 SSD लग जाती हैं NVMe वाले, तो इसमें जो है एक देते हैं जो आपका रहेगा सॉफ्टवेयर के लिए जो प्रोसेसिंग बहुत अच्छी करेगा, तो उसमें जाते हैं Gen 4 में और लेते हैं 1 TB की, और एक ले लेते हैं बैकअप के लिए जो रहेगी 2 TB की, ठीक है। तो भाई एक बार हमें 2 SSD निकालो, एक Gen 3 और एक Gen 4, तो मैं दे देता हूँ भैया को ORS Gigabyte, इसको बोलते हैं मैं लग्जरी, मेरे सारे वीडियो में इस SSD को मैंने लग्जरी बोला हुआ है, इसलिए क्योंकि ये फरारी की तरह चलती है भाई, अच्छा ठीक है। और जनरेशन 4 है, इसकी स्पीड जो आती है 7300 Mbps/s, और वारंटी आती है 5 साल, और सबसे खास बात हीटजिंग लगी होती है इसमें, और हीट वीट ना हो, सिस्टम आपका ओवर हीट ना करे इसके लिए, ठीक है। तो एक तो ये देता हूँ सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है ठीक है, और एक बैकअप के लिए मैं देता हूँ सैमसंग की, जो रहेगी 2 TB की, और ये है 970 EVO+, और इसकी स्पीड होती है 3500 Mbps, तो लैग नहीं करेगा सिस्टम, और हार्ड डिस्क नहीं लगानी चाहिए आज के टाइम में हमारे जैसे ब्लॉगरों को, मतलब आपके जैसे ब्लॉगरों को, तो उसमें इसलिए नहीं लगानी चाहिए क्योंकि अगर हम हार्ड डिस्क लगा देते हैं तो उसके अंदर जो CD होती है वो रीड राइट करने में ना मतलब हालत खराब कर दे सिस्टम को, मतलब क्या बोले ओवर, मतलब हीट कर देती है, हाँ, तो मतलब लैग सा होने लग जाता है, हाँ, तो मुझे लग रहा है कि अगर हम सिस्टम को हैवी बनाना चाहते हैं तो NVMe के साथ जाएं या फिर SATA SSD के साथ जा सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क नहीं लगानी चाहिए अब, बहुत अब टाइम चेंज हो चुका है, तो टाइम के अकॉर्डिंग इसको हम लगा रहे हैं, आप पे ट्रस्ट करके भैया जो बढ़िया बना रहे हो ना आप बना दो मस्त, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ भैया, ठीक है। और इसके अंदर 4060 का ग्राफिक कार्ड लगाएंगे, वो भी नकली सकली कुछ नहीं, MSI लगाएंगे, MSI का लगाते हैं 4060, जो रहेगा 2 फैन के साथ में, और रहेगा 8 GB का, और इसकी वारंटी रहती है 3 साल, 3 साल तक, 3 साल वारंटी रहती है, वैसे तो मैं अभी वारंटी की फिर बात करेंगे दोबारा से, क्योंकि अभी जो है हम वारंटी के सारे प्रोडक्ट की बात कर नहीं पाए, वो ये है हमारा 3 साल वारंटी में MSI Ventus जो 2 फैन के साथ में है, और 8 GB का कार्ड होता है जो GeForce RTX 4060 बोलते हैं इसको, तो ये बड़ा जबरदस्त है ब्रांड की वजह से, बाकी अगर सस्ते में जाएंगे तो नाम नहीं लूंगा कंपनियों के, नहीं तो वो यार आ जाते हैं खड़े हो जाते हैं शॉप पे, यार तुमने मेरी कंपनी को बदनाम कर दिया तो मैं नहीं लूंगा उनका नाम, नहीं, नहीं। तो भाई चलो ठीक है, इसके बाद ग्राफिक कार्ड इनफ है, बहुत है, अरे सही है काफी है, तो इसके बाद हम अब ग्राफिक कार्ड हम ये 4060 लगा रहे हैं, तो भाई इसके साथ में 650 W कूलर मास्टर की पावर सप्लाई लगाते हैं, और इसके अंदर पावर सप्लाई जो है वो है 80+ ब्राउन्स, और भाई मुझे तो ठीक लग रही है, आप बताओ कैसी है, हैवी है भाई ये तो, हाँ, गिर तो, जाएगी भाई गिर जाएगी, गिरा मत देना नहीं नहीं सही है ठीक है, तो भाई ये रख देते हैं साइड में, तो अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने
एक और दूसरी तरफ, इसके अंदर मुझे भाई ओवरहीट करेगा ही करेगा ये सिस्टम। ओके ठीक है, क्योंकि अगर आप फिल्मोरा वगैरह चलाएंगे तो उसके अंदर यार बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा सिस्टम पे। तो इसमें प्रोसेसर भी हम जो लगा रहे हैं ना वो अनलॉक्ड सीरीज का लगा रहे हैं। okay. तो हम जो है ओवरहीट रोकने के लिए लगा रहे हैं लिक्विड कूलर, और जो रहेगा आपका कूलर मास्टर का जो तीन फैन के साथ में है, और वो भी ARGB फैन है इसके अंदर। अच्छा, ARGB फैन है वो भी तीन। okay. और भाई ये जो है आप लिक्विड कूलर देख सकते हैं, कम्प्लीटली इसको चिल्ड रखेगा, मतलब एसी बना देगा, एसी बना देगा सिस्टम को। तो भाई किसी भी तरह की आपको इशू आने वाला है नहीं, क्योंकि अभी तो है सर्दियां, अभी तो कोई इशू नहीं आना है। हाँ। लेकिन जैसे ही हमारे होली आएगी, होली आने के बाद यार जैसे जून जुलाई की जैसे ही गर्मी, कितना भी आप सेवन मतलब कितने भी एसी को कितना भी चिल्ड कर लो लेकिन उसके अंदर नहीं घुसेड़ सकते। तो इसको चिल्ड करने के लिए हमने लगा दिया इसमें लिक्विड कूलर। और अब क्या रह गया यार, कैबिनेट रह गया। हाँ। अब हम आपको कैबिनेट पसंद करा देते हैं कि कैबिनेट आप भैया को कौन सी आती है पसंद। चलो, तो है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप कोई भी कैबिनेट पसंद करें, आपको कौन सा समझ आ रहा है बता दीजिए। कैबिनेट तो भैया कोई एडवांस दिखाओ इससे। एक काम करो, कैबिनेट ले लो आप मेरे पसंद की। एक और है। हम देते हैं भैया को गीगावाइट की C301 ब्लैक कलर की कैबिनेट, जो होती है चार फैन के साथ में और ARGB फैन होंगे। और इसको दिखाएंगे अभी जब हम इसको कंप्लीट रेडी कर लेंगे उसके बाद। हाँ। तो और इसमें एक और चीज रह गई, आपको कम्प्लीटली सेटअप चाहिए था। हाँ बिल्कुल। इसके अंदर देते हैं हम भैया को 32 इंच का MSI का मॉनिटर, और जो रहेगा कर्व्ड और 180 हर्ट्ज के साथ में रहेगा। ओके 180 हर्ट्ज है, कर्व्ड है, MSI है। 4K नहीं दूंगा भाई, 2K मॉनिटर दूंगा। लेकिन जो ये मॉनिटर रहेगा मेरा एज ए गिफ्ट रहेगा। आपका बजट था 2 लाख, और 2 लाख का सिस्टम तो हो चुका रेडी। ठीक है, तो आप हमारे भाई भी हैं। हाँ। ठीक है, और हम आपको पहले से जानते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारे लिए स्पेशल डिस्काउंट, तो हमको चाहिए मॉनिटर फ्री। ठीक है, अगर भैया सच में डिस्काउंट देते हैं तो अब मॉनिटर देंगे भैया हमको फ्री में। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ये तो मेरे को उल्लेख में डाल दिया आप लोगों ने। नहीं नहीं भैया, मॉनिटर तो फ्री देना पड़ेगा। नहीं तो एक काम करते हैं, इसका बजट 2.5 लाख कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, 2.5 लाख नहीं करेंगे भैया, 2 लाख के अंदर बात हुई है तो 2 लाख ही होगा। यार कहाँ से लाऊंगा मेरे? मैंने अब कैसे भी करो, अब आप अपनी जेब से देना पड़ेगा भैया को, और खत्म करो इसको, 2 लाख में डन करो। ठीक है, और काम करो। हाँ, 2 लाख में नहीं, हम इसमें ना भैया को 10,000 रुपए का डिस्काउंट देते, 1,90,000 रुपए का डन विद मॉनिटर करते हैं। और बोलो, दिल बहुत बड़ा है गेमिंग पीसी वाला का, और डिस्काउंट चाहिए हमको। तो अब क्या हो गया आपको, और डिस्काउंट चाहिए? मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। 2 लाख बोले तो यार 2 लाख में थोड़ी ना करोगे तुम। तो एक काम करो, आपका जो सबसे फेवरेट डायलॉग हो ना, जो आपने बनाए हैं बहुत सारे कंटेंट, मैंने अभी देख रहा था भाई, कौन कौन से भाई यार, मैं तो इतना पेट फूल गया सच में। अभी एक डायलॉग है जो कि मैंने अभी तक अपनी वीडियो में रिवील नहीं किया है, अभी मेरा एक गाना आने वाला है हाल फिलहाल में, उसके बाद में वाले डायलॉग को रिवील करने वाला हूँ। बट मैं भाई के सिर्फ भाई के चैनल पे मैं अपना डायलॉग वो रिवील कर देता हूँ। ठीक है, तो सर ऐसे पूछेंगे कि भाई कौन हो आप, तो मैं बताऊंगा सर जिसका नाम सुन के हो जाता है टीचर्स की गाड़ियों का टायर पंचर। जी हाँ सर, मैं हूँ चेतन दा बैक बेंचर। तो भैया अब मैंने ये आपका काम कर दिया, मैंने डायलॉग बोल दिया, अब मेरा आपको डिस्काउंट देना है। 1,65,000 रुपीज GST बिल के साथ में सब कुछ दे रहा हूँ। डन। ओके डन। डन क्यों, डन क्यों, आपका तो हो गया, अब मुझे ये भी तो बात है भैया, देखो फिर आपको भी कुछ सुनाना पड़ेगा। आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं आपके भी। मैं थोड़ा कम बोल, नहीं भैया देना तो पड़ेगा डायलॉग। मैं तो देखे आपके बहुत सारे वीडियो, डायलॉग तो मैंने बोल दिया ना, एक्सक्लूसिव डायलॉग है हमारे चेतन भाई के साथ, इतने बहन भाइयों तक के आपने बनाए हुए हैं, अब भाई तो करना पड़ेगा, उसमें क्या है। मैं तो अभी आपके ऐसे वाले सारे वीडियो देखे हुए हैं भैया, इस अभी कोई दिमाग में नहीं आया है ना, ये कहना चाह रहे हो आप। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, वैसे भी दे देंगे, वैसे भी दे दोगे ना। नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा भाई, छोटी बहन है यार। क्या चाहिए आपको ये बताओ। मेरे को ना GTA खेलनी है, तो मदरबोर्ड, मदरबोर्ड और माउस। मदरबोर्ड क्या, भाई
आज के टाइम में नाम चेंज हम वैसे गेमिंग पीसी वाला की आदत है कि हर चीज के नाम चेंज करना, मतलब हमने पूरे स्टाफ के नाम चेंज किए हुए हैं, पता आपको? मेरे स्टाफ में जिस जिसके जो जो नाम है वो नाम नहीं है, वो मैंने रखे हैं अपने नाम, ठीक है। और जो भी हमारे पास कैबिनेट्स होते हैं इनके नाम मैंने रखे हैं। अच्छा, ठीक है, ये भी सही है। ये सारे कैबिनेट जितने भी बैठे हमारा अभी जो है, हमारे पास एक रंगीला है, अच्छा, और चेतक है, रॉकेट है, बाहुबली है, और राजा है, रानी है, इस तरह की चीजें होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो अभी मेरे को ये बताओ, नाम चेंज किया, हाँ मैं यार फिर भूल गया, मदरबोर्ड मदरबोर्ड चेंज करके कीबोर्ड दे देना। तो फिलहाल कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से कीबोर्ड और एक माउस वो भी देंगे, आरजीबी वो भी देंगे हम आपके पसंद के, और चार पांच कीबोर्ड माउस रख देंगे आपको जो समझ जाए। पर भैया हम स्ट्रीमिंग भी करेंगे तो फिर कुछ और भी हेडफोन्स वगैरह भी चाहिए होगा ना? अरे यार अब यार क्या लोगे, हेडफोन भी चाहिए होगा तो एज ए गिफ्ट मैं एक हेडफोन भी दूंगा आपको, ठीक है। माउस पैड, माउस पैड भी दे दूंगा यार, ठीक है। तो इसको हम अभी दिखाएंगे, जो गिफ्टिंग करेंगे वो दिखाएंगे अभी हम वीडियो के बिल्कुल एंड में। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने अभी तक भी कोई कमेंट नहीं किया तो कर दो कमेंट, और एक दो शेयर भी मार दो यार। और तो और भैया के होने वाले हैं 2 लाख सब्सक्राइबर कम्प्लीट, तो भैया उससे पहले, मतलब मैं अपना व्लॉग डालूं उससे पहले आप भैया के 2 लाख करवा दो, क्योंकि मेरे को लगेंगे 10-15 दिन उसके लिए। तो मैं मतलब घुटनों से बैठ के आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज यार कर दो यार, 2 लाख ज्यादा है, कुछ भी नहीं है, क्या फ्री का है सब्सक्राइब बटन यार, दबा दो, तोड़ दो सब्सक्राइब बटन। और उसमें कोई बेल आइकन का भी, हाँ बेल आइकन में ऑल कर देना यार, ठीक है, उसको घंटा बजा दो ताकि भैया की जैसी वीडियो कोई आए, और भैया भी थोड़े दिनों में मैंने सुना कि आप वो भी निकालोगे गिव अवे, तो वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई नई वीडियो आ गई है, गिव अवे कभी भी आ सकता है। गिव अवे करता रहता हूं वैसे मैं, करते रहते हो? हाँ करता रहता हूं, एवरी मतलब 2 वीडियो डालने के बाद या 3 वीडियो डालने के बाद गिव अवे हमेशा करता हूं। और मेरे गिव अवे जब मैं करता हूं ना तो ऐसा कोई नाम नहीं होता जो मेरे जानने वाला हो, अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे, ये लोग करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे को कमेंट, हम बोलते हैं स्क्रीनशॉट हम डालते हैं कि देखो भाई इस बंदे ने इतने कमेंट किए हैं। और एक बंदा कहाँ का था, बंगाल से था, एक वेस्ट बंगाल से था, मैंने उनको भी भेजा यहाँ से, 4-5 दिन में पहुंचा है बकायदा, उनके मेरे पास वीडियो चैट है, व्हाट्सएप चैट है, और मतलब कुछ दिल्ली के थे, कुछ हमारे एक बिहार का था जो है, ये बहुत सारे। तो भैया मेरी वीडियो पे भी आपको गिव अवे करना पड़ेगा, अब अगर इतना गिव अवे कर रहे हैं भैया तो मेरी वीडियो पे भी होंगे, इसके लिए मुझे चाहिए 5,000 लाइक्स। हाँ मेरी वाली इस वाली वीडियो को 5,000 लाइक्स, 5,000 लाइक्स और मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम 2,000 कमेंट, ठीक है, चाहे तुम 30 दिनों में। तो अभी कर देंगे यार, अभी कर दो 2,000 कमेंट, तो हर बंदा करेगा, हर बंदा करेगा। और 2,000 के बाद जितने भी कर रहे हो कमेंट, तुम कितने भैया कितने बोल रहे हो आप, कितने करने चाहिए? 5,000 लाइक्स और 5,000 कमेंट कम से कम हो, 5,000 कमेंट, ठीक है। कमेंट तो हो जाते हैं, 2,000 से ज्यादा कमेंट होते हैं हर वीडियो पे मेरे है? हाँ। तो फिर एक काम करो 10,000 कमेंट, ठीक है, 10,000 कमेंट हो जाएंगे। अरे एक ही बंदा, रैम करो, एक ही बंदा अगर 500 भी कमेंट करेगा तो भी हो जाएंगे। अरे बहुत देर हो गई, अब आप हो जाओगे, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब अपना पीसी फटाफट भैया मेरा रेडी करवाओ, चलो भाई रेडी, ठीक है। तो भाई गाइज अब हम करने वाले हैं, आप लोगों से लेंगे मुंह दिखाई कंप्यूटर दिखाने का। तो अब सबसे पहले आप लोग करो 2-2 कमेंट और 2-2 शेयर, और लाइक तो आप लोगों ने अभी तक कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, तो उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, और नहीं किया तो कर दो अभी, ठीक है, आ जाओ अब। अच्छा मुंह दिखाई कर दिए ना कमेंट वगैरह इन्होंने, कर दी, हाँ कमेंट कर दिए हाँ बोल रहे, कर दिए, ठीक है। तो अब भैया ये दिखाओ सबसे पहले, हमारा ये है हमारा कैबिनेट और ये हमारा पूरा CPU, तो इसके अंदर भैया क्या सा, मतलब ये क्या है इसके अंदर, मेरे ख्याल से ये लगा हुआ है ना हमारा, ये तो मैग्नेटिक है, ये फिल्टर है, हाँ ये मैग्नेटिक होता है, हाँ। और इसमें डस्ट ना जाए तो इसको रोकने के लिए होता है, और यहाँ पे लगा आपका लिक्विड कूलर जिससे एयर, हाँ। जो है, हाँ। बाहर और RGB वाला वो भी बताओ इनको, हाँ अब भाई ऐसे करके दिखाओ, ये देखो यहाँ पर फ्यू फैन, ये देख सकते हो भाई पूरा AC बना दिया भाई यहाँ पे, तो है ना इतने सारे फैन, ठंड में बेचारा, ठंड में क्या हो जाएगा उसका हाल, कुछ नहीं होगा। अब ये देखो इसमें कलर भी चेंज होते हैं, हाँ यार ये देखो अभी ये अलग कलर हो गया, ठीक है, ये देखो और अलग कलर हो गए, ये सिंगल कलर हो गया,
हाँ एक कलर अगर ग्रीन आपको ज्यादा अच्छा लग रहा हो तो एक कलर के साथ भी रह सकते हो। ये ब्लू हो गया, ये ब्लू तो मेरा फेवरेट है यार। ये व्हाइट हो गया, व्हाइट भी है इसमें, वाह। येलो, हाँ। लो भैया कितने कलर चाहिए, येलो ब्लू सारे कलर हैं, येलो पिंक सारे कलर। अब ये मल्टी कलर पे आ गया, अब इसमें भी कई सारे शेड्स हैं, मतलब इतने सारे वेरिएंट है भाई, इतने सारे, मतलब क्या बताऊं, हमको इतना सस्ता पड़ गया ना ये कंप्यूटर, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। अच्छा कुछ बेवकूफ, अच्छा नहीं, मेरे बहुत अच्छे लोग कहेंगे, मेरे बहुत चहेते लोग कहेंगे लुट गए, लुट गए। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ, अगर इससे बढ़िया तुमको ओरिजिनल पार्ट्स में अगर मिल जाए तो एक मेरी तरफ से फ्री ले जाना भाई, मैं दूंगा तुमको खर्चा, मैं तरफ से ले जाना BMW फ्री। हाँ ठीक है, और वो तुम्हारे लिए हम फटाफट से तुम्हारा नाम करा देंगे, करवा और देंगे। उसके पैन कार्ड के आधार कार्ड की फोटो भेज देना। हाँ। नहीं सर, ये अब एक चीज और दिखाते हैं तगड़ी। हाँ। वाली ये हमारे चाहते लोगों के लिए है जो हमारे को नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं उनके लिए। वैसे नेगेटिव कमेंट वालों को मैं कैसे करता हूँ सबको पता ही होगा, अच्छे से रोस्ट बनाता हूँ भाई, स्पेशली ना मैं उनके लिए ना, मेरे को भी सीखना ना। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, ऐसा करता हूँ पहले 10 कमेंट उठाता हूँ जिनसे मेरी बिल्कुल ऐसा हो जाता है खिलस जाता हूँ, 10 उठाए उनपे एक रोस्ट वीडियो बनानी होती है, वो बंदे अपने अकाउंट डिलीट करके चले जाते हैं। आए हाय मजा आ गया। तो इतना बढ़िया, मेरी इतनी अच्छी कम्युनिटी है ना भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी बढ़िया कम्युनिटी है, अगर मैंने बोल दिया ना भैया इसका काम बजाना है तो वो बज जाएगा काम, पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअल फैक्ट है, मत करना नेगेटिव कमेंट, मत करना, अगर बाकी तुम्हारी मर्जी है, रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं। माउंटेन ड्यू साथ मालूम क्या है, जो मॉनिटर लिया है ना भैया ने, वो 2K मॉनिटर लिया है, और भाई मॉनिटर ये वाला लिया भैया ने, MSI का भाई, ये है WQHD 2560x1440, और भाई ये है कर्व्ड मॉनिटर भाई, इसको फिजिकल भी दिखाएंगे, और 170 Hz में यार, 1ms के साथ 1500R कर्व्ड है भाई ये वाला, और क्या चाहिए भैया, सही है आपको, आपको एक नंबर भाई, एक नंबर। और भाई ये रहा, इसमें देखो, ये देखो, ये है देखो, क्लैरिटी देखो, भैया की ही वीडियो चल रही है आई थिंक इसमें। हाँ ओ भाई ये क्या है, ऐड आ रहा है यार इसमें, तो मैं कह रहा भैया तो ऐसे नहीं दिखते हैं। हाँ यार ये रहा ना देखो, ये भैया की तो वीडियो है यार, ये लिखा तो है, कहाँ लिखा है यार, ये रहा ना यार बैक बेंचर भाई, थोड़ा जूम करो ना यार, इसको दिखाओ ना यार, चेतन 026। अरे भाई मस्ती मारनी है, मस्ती मारनी है और फनी, अगर ज्यादा अगर तुम्हारी वाइफ ने परेशान कर रखा हो ना, गर्लफ्रेंड ने परेशान कर रखा हो भाई, तुम्हारे घर में किसी ने परेशान कर रखा हो, तुम्हारे बॉस ने परेशान कर रखा हो, तो भाई 5 मिनट के लिए चले जाओ भाई को देखने के लिए, बस बाकी तो हंसते हंसते तुम पेट दर्द, ठीक है। तो फिलहाल भैया ने तो सेटअप रेडी करा लिया है, तो भैया राम राम, नहीं नहीं राम राम जी बोलते हैं, जय श्री राम बोल देते हैं यार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम तो ऑलवेज है भाई अपना। तो जय श्री राम भैया की तरफ से सारे भाइयों को, ठीक है भैया। हाँ। फिर हम मिलते हैं, राम राम। नहीं नहीं गिफ्ट है भी हमारा, अब क्या रह गया यार, इतना कुछ तो दे दिया भैया, अभी आपने वो कीबोर्ड वगैरह बोला था, मैंने क्या बोला था, कीबोर्ड और माउस, ये चीजें तो बहुत याद रहती है ना, तो कीबोर्ड माउस और वो क्या, हेडफोन, हेडफोन, हेडफोन भी चाहिए होगा ना भैया, अब हम करेंगे तो फिर कुछ तो चाहिए होगा, ये सब मेरी तरफ से मेरी जेब से ही जा रहा है यार, मेरे घर में पेड़ नहीं है इसी चीज़। गाइस तुम भी आओ भाई को लूट के लेके जाओ। कोई बात नहीं, तो भाई अपने स्टाइल में आ जाता हूँ एक बार, और वो मेरी स्टाइल है कि सब कुछ लुटा दूंगा तुम्हारे खातिर। तो फिलहाल जो है भैया, ये सारे कीबोर्ड ओके आपके लिए, इसमें से जो तुम्हें समझ जाए पसंद कर लो, ठीक है, ठीक है, ये है। सारे के सारे गेमिंग RGB के हैं, वो भी जो है बात करूंगा 1200-1300 रुपए से कम का कोई कीबोर्ड नहीं आता है, बट एज ए गिफ्ट मैंने जैसे बोला है तो वो मेरी तरफ से रहेगा, तो देना पड़ेगा ही भैया। हाँ, तो आपको जो समझ आए आप ले लो, आप पसंद कर लो, ये भी इतना कुछ ठीक है, ये व्हाइट कलर में हो जाता है, व्हाइट है, इसमें ब्लैक भी मिल जाएगा अगर चाहिए, नहीं नहीं बट हमको तो यार ये वाला ज्यादा कॉस्मिक व्हाइट चाहिए, तो भाई ड्रैगन फ्लाई कॉस्मिक बाइट ले रहे हैं। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अपनी तरफ से ये भी जाएगा आज, ये बढ़िया है, ठीक है, तो ये वाला कीबोर्ड माउस एज ए गिफ्ट बस हो गया, तो हम एक काम करते हैं कॉस्मिक बाइट का ही एक आपको हेडफोन देते हैं, ठीक है, ये भी और बढ़िया है, ठीक है, और भी बढ़िया चीज है ये तो यार कहाँ रख के लड़का चला गया मेरा, मैं एक बार देखता हूँ, इसे रख लेते हैं अपने पास और इसे कर देते हैं साइड, ठीक, तो ये चीजें हो गई, अब ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट कॉस्मिक बाइट का हेडफोन, yes! और जो रहेगा विद माइक। हाँ। और लाइव स्ट्रीमिंग करने के टाइम में प्रॉपरली हर बंदे से बात करो आप, मजा आएगा, नंबर।
तो कॉस्मिक बाइट H11 गेमिंग हेडसेट दे रहा हूँ भैया को एज ए गिफ्ट। तो भैया थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, जो जो चीज मांगी हमने वो चीज मिल गई, और क्या चाहिए भाई, बस झप्पी पा दो अब। मजा आ गया भाई। तो अब जो है मेरी रिक्वेस्ट आपसे फाइनल ये है कि ऐसे ही डेली वीडियो देखने हैं मेरे। हाँ। तो मुझे यार प्लीज, आपने सब्सक्राइब कर रखा हो ना तो उसके बाद अब बेल आइकन रह जाता है, तो बेल आइकन भी प्लीज बजा दो। तो इसलिए बजा दो क्योंकि अब आपका भाई जो है ना थोड़ा सा आ रहा है लहर में आपकी वजह से। तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही चाहिए और ऐसे ही बरसाते रहो अपना प्यार। तो गाइस फिलहाल भैया से हम विदा लेंगे, उससे पहले जो है भैया का ये सामान पैक करा के जाते हुए का वीडियो दिखाते हैं कि भैया को एक विदा आखिरी थोड़े से आगे दिखाते हैं। हाँ। तो भाई गाइस आ चुका है हमारा सारा सामान और ये रहे भाई हमारे गिफ्ट्स। तो अब हम जा रहे हैं घर को। नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा भाई। क्यों? ये रहेगा यार, एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट। अरे वायरलेस कीबोर्ड, एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट। तो भाई पे गिफ्ट, गिफ्ट पे गिफ्ट, गिफ्ट पे गिफ्ट। चलो भाई बहुत बहुत थैंक यू यार, ये इसका एक्सपेक्ट नहीं किया था सच में, बट एक नई चीज और आ गई तो बढ़िया है। नीचे आ गया ग्राउंड फ्लोर पे भागते भागते क्योंकि भाई टाइम इतना ज्यादा निकल चुके थे और भैया ने हमको वापस से फोन किया कि भाई रुको, वापस आए हम भैया, अब नीचे हमको छोड़ने आए हैं। तो फिलहाल जैसे कि मैंने अभी आपसे कमिट किया था कि भाई अभी एंड में विदा करते हुए दिखाएंगे, तो भाई विदा करते हुए ग्राउंड फ्लोर नेहरू प्लेस में भाई सारी शॉप लगभग क्लोज हो चुकी है। हाँ भाई, ओके बाय, थैंक यू सो मच, और फाइनल एंड में जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू।